हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर कुकिंग लवर्स। आज हमने बनाए हैं बैंगन के भरवे। बहुत ही लाजवाब है ये, जितना दिखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी है। आप दो रोटी की जगह चार रोटी खाओगे। भरवे बनाने के लिए हमें लिया है ये बैंगन, दो टमाटर है इसे बारीक काट लीजिएगा, प्याज है दो प्याज है इसे भी बारीक काट लीजिएगा, और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लीजिएगा, और ये हरी मिर्च काट लीजिएगा। और ये देखिए मैंने मूंगफली लिया है, और चने की दाल है, और ये धनिया है इसमें, और कोकोनट था, नारियल, ये किसा हुआ कच्चा नारियल मैंने लिया है। अब इसे हम धनिया को, और इस धनिया है इसमें काली मिर्च है, इसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं और इसे खाली कर देते हैं। अब हम ये मूंगफली को भूजेंगे और ये चने की दाल भी डाल देते हैं, इन्हें भी अच्छी तरह से भून लें। ये देखिए भून चुके हैं। अब इसी तरह ये जो नारियल है, मैंने कच्चा नारियल लिया था, इसे भी भून लेते हैं करीब 2 मिनट। आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा ज़रूर, और कमेंट पे बताइएगा कि कैसा लगा। इस पर करीब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ये तेल है, इसे भी भून लें थोड़ा सा। ये हमारे नारियल भी भून चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। अभी सभी सारे मसालों को हम मिक्सर में पीस लेते हैं। हल्का सा पानी डाल दीजिएगा ताकि इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए। ये मैंने हरे बैंगन लिए हुए हैं, इन्हें अच्छे से धो के कट कर लेते हैं चारों तरफ से। इसी तरह सारे बैंगन को कट करके रख लेते हैं। और ये मैंने मसाला रेडी करके रखा है, ये देखिए इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, ना ही नमक है ना ही हल्दी, कोई भी मसाले नहीं है। जो मैंने भून के रखा था सिर्फ वही मसाले हैं। इसी तरह से सारे बैंगनों में आप मसाले भर दीजिए। ये देखिए हमारे सभी बैंगनों में मसाला भर चुके हैं, और ये हमारा मसाला भी भर चुका है, और इन्हें भी हम सब कट करके रख लिए हैं। अब हम ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं। अब इसे हम जीरा डाल देते हैं, जीरा को भुनने दें, और इस पर हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं, इन्हें भी 1 मिनट करीब भुनने दें। इस पे हम ये कटे हुए प्याज डाल देते हैं, ये बड़े दो बड़े प्याज हैं मीडियम साइज़ के, इस तरह से बारीक कट कर लीजिएगा। और इस पे हम हल्दी डाल देते हैं 1 टेबल स्पून, ये धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, और ये गरम मसाला है 1/2 टेबल स्पून। इन्हें करीब 1 मिनट भूनने दें। अभी हम कटे हुए टमाटर डाल देते हैं, 2 बड़े टमाटर हैं ये कटे हुए, इन्हें हम डाल देते हैं। आप चाहे तो पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। इसमें नमक ऐड कर देते हैं 1.5 चम्मच, और इसे ढककर 5 मिनट तक पकने देते हैं। ये करीब 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम सारे बैंगनों को डाल देते हैं और ढक दीजिए, और कुछ देर बाद फिर चम्मच चलाइएगा। ये इस तरह से ये सारे बैंगनों को धीरे धीरे पलट दीजिए। अब ढककर कुछ देर पकने देते हैं। ये देखिए हमारे बैंगन जो है आधा पक चुका है, और इस पर बचे हुए मसाले डाल देते हैं, और उसे करीब 10 मिनट पकने देते हैं ढककर, और बीच बीच पर चम्मच चलाते रहें, और तब तक पकाएं जब तक आपको लगे ना कि ये पक चुका है। ये देखिए हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए, और 5 मिनट तक ढककर पकने दें। ये देखिए हमारा बैंगन का भरमा बनके रेडी हो चुका है। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं पराठे के साथ, रोटी के साथ।
इसी तरह मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।